हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जरूर है हमारे साथ। आइए, आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी जेई का जो अभी एग्जाम हुआ था, CBT 1 का। उसका फाइनली आज कुछ ही देर पहले जो है कि उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। काफी दिनों से जो है कि रेलवे ने ये घोषणा कर दी थी कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में CBT 2 का एग्जाम होना था, और फाइनली आपके सामने रिजल्ट आ चुकी है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, रिजल्ट जो है कि फाइनली आ चुकी है। और यहाँ पर ये देखिए, किसी भी बोर्ड पर जाइएगा तो वहाँ पर सब लिंक है। यहाँ से आप इसका लिंक, मैं रिजल्ट का आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया गया था ये इस डेट में, और उसके बाद जो है कि मेरिट लिस्ट में ये सब दिया गया है। और सेकेंड स्टेज जो है कि एग्जाम जो है कि 28 अगस्त से 1 सितंबर तक होना है, जिसके बारे में एक अलग से नोटिस है, उसके बारे में आपको बताएंगे हम। और बाकी ये सब है कुछ नोटिस, और ये आपका पूरा रोल नंबर है। इस रोल नंबर से आप पूरा एक PDF दे दिया गया है रोल नंबर में, आप यहाँ से इस रोल नंबर में PDF से डालकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये देख लीजिए एग्जाम प्रोग्राम आगे क्या होने वाला है। नोटिस जो सेकेंड CBT 2 का है उसके बारे में ये है कि व्यूइंग ऑफ द एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन, आपका जो है कि 17 अगस्त से जो है कि आपका एग्जाम सिटी और डेट जो है कि बताया जाएगा, और उसी दिन से आप जो है कि वो फ्री ट्रेन ट्रेवल जो SC ST वगैरह वाले लोग जो करते हैं वो उस दिन 17 अगस्त से अपना वो देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि सबको पता है कि कॉल लेटर 4 दिन पहले जो है कि अपलोड किया जाता है, तो आप उस दिन अपना देख सकते हैं। मॉक टेस्ट जो आपका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा 17 अगस्त से, और आपका जो एग्जाम है शेड्यूल किया गया है वो 5 दिन का है, 18 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जो है कि आपका एग्जाम होना है। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखिए दिया हुआ है कि एग्जाम डेट सेशन वगैरह सब जो है कि आपको लॉग इन करके आपको लिंक से मिल जाएगा। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ CBT एग्जाम आपको पता है 120 मिनट्स का होना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, और सेक्शन वाइज मार्क्स एंड सिलेबस जो आपको ऑलरेडी बताया गया है एडवर्टीजमेंट में वही रहेगा, यहाँ पर उसका मतलब दिया गया है नोटिस का नंबर। और मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा, MCQ रहेगा, और निगेटिव मार्किंग 1/3 है, जो कि मतलब रहता ही रहता है। ठीक है, ये रहा। उसके बाद आपका ये एक लिंक दिया है स्कोर कार्ड जानने के लिए, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको किस बोर्ड में आपने मतलब अप्लाई किया वहाँ पर उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका स्कोर कार्ड जो है कि यहाँ पर एक नया लिंक खुल जाएगा, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और फिर जैसे ही लॉग इन करेंगे तो फिर आपका जो है कि यहाँ पर आपका दिखाएगा, ठीक है, कि कितना मार्क्स है, कितना नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, कितना आपका सही है गलत है, वो सारा डिटेल्स जो है कि आपको खुल के आ जाएगा। उसके बाद ये रहा, वेरियस कैटेगरी में नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, एक्चुअल स्कोर नहीं है, बहुत सारे कैटेगरीज हैं इसमें आते हैं, सभी कैटेगरीज का यहाँ नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है कि कैटेगरी वाइज जो है कि दिया गया है। यहाँ 1 to 69 जो सब पोस्ट का अलग अलग कोड है उसके हिसाब से जो है कि आपका पूरा का पूरा ये आपका स्कोर भी दिया है। आप चाहे तो इसको भी बोर्ड वाइज बोर्ड जो है कि आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट रहा, और रिजल्ट आ जाने के बाद आपका जो है कि यानी बस आज से 2-3 दिन बाद जो है कि आपका जो है कि कॉल लेटर का एग्जाम सिटी वगैरह का डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों का रिजल्ट निश्चित रूप से हुआ होगा, और जो लोग मतलब एक्चुअल में पास कर गए हैं, जो CBT 1 पास कर गए हैं, वो फोकस कर दीजिए CBT 2 पर, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके पास, मात्र 2 सप्ताह के आसपास आपके पास समय बचे हैं, मात्र 2 सप्ताह से भी कुछ कम। तो आपको इसी इसी मतलब दरमियान जो है कि आपको फाइनल प्रिपरेशन कर लेना है, जो भी कुछ आपको प्रिपेयर करना है, एग्जाम सिलेबस से जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक्स है उसको देखना है, एक बार रिवाइज मोड में जाना है, नया चीज़ अभी ज़्यादातर एग्जाम के आसपास नहीं पढ़ना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों का आप पक्का ख्याल रखेंगे और आप अपना प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, ऐसा हमको निश्चित रूप से उम्मीद है। और जिन लोगों का नहीं हुआ वो घबराएं भी नहीं, आगे बहुत सारे एग्जाम्स अभी हैं आने वाले, और भी रेलवे के बहुत सारे एग्जाम हैं, उसमें आप मतलब अपना ट्राई कर सकते हैं, आप अपना जो है कि होप मत खोएं। ठीक है, तो जो लोग पास हुए हैं उन लोगों का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस,
और मिलते हैं किसी और वीडियो में फिर, और किसी नए टॉपिक के साथ, या कोई भी अपडेट इस एग्जाम से रिलेटेड आएगा तो फिर मैं उसको आपको लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।